क्लास 10th हमारा लेक्चर नंबर 31 है केमिस्ट्री का फ्रॉम चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट। हमने कल स्टडी किया था पीएच स्केल, उसके बारे में आपने पढ़ा था कि पीएच की वैल्यू होती है 7। 7 से नीचे जितनी भी वैल्यूज हों वो पीएच एसिडिक वो रिप्रेजेंट करते हैं, और 7 से ऊपर यानी कि राइट साइड पे जो जितनी भी वैल्यूज हों 7 to 14 वो पीएच स्केल बेसिक की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और 7 रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल को। अब हमने देखना है सिंस द पीएच स्केल इज लॉगरिथमिक, ठीक है, आपने पढ़ लिया कि पीए रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव लॉग ऑफ, एच रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को, तो पीएच हम किसे क्या कहते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या है, लॉगरिथमिक होता है, अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच 1 हैज 10 टाइम्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ एच देन दैट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच 2, क्योंकि ये लॉगरिथमिक है और आपको पता है लॉगरिथमिक में बेस क्या होती है, 10 की पावर। अगर 1 है तो वो 10 होगा, अगर 2 है तो वो कितना हो जाएगा 100, अगर 3 है तो कितना हो जाएगा 1000, यानी कि 10 की पावर्स है ना, तो अगर 10 की पावर 1 है तो वो 100 होता है, 10 की पावर 2 है तो वो 100 बन जाता है, सॉरी 10 की पावर 1 है तो 10 होता है, 10 की पावर 2 है तो वो 100 बन जाता है, इसी तरह कंटिन्यूस। तो कह रहे हैं अगर कोई आपके पास सोल्यूशन है उसकी पी एच क्या है 1 और एक सोल्यूशन है उसकी पी एच क्या है 2, तो उनकी आपस में हम उसकी एसिडिटी किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं जो पी एच 1 वाला है वो 10 टाइम्स हायर कंसंट्रेटेड होता है देन पी एच 2, क्योंकि आपने पढ़ा है जैसे ही आप 7 से नीचे नीचे जाना शुरू करेंगे तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाना शुरू हो जाती है, ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जो 2 वाला है वो कम एसिडिक होगा, जो 1 वाला है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर वो ज़्यादा एसिडिक है तो वो कितना ज़्यादा एसिडिक है, वो 10% ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अगर हम 3 वाले से बात करें, 3 और 1 में हम फ़र्क देखें, तो जो 1 वाला है सोल्यूशन है वो 3 वाले से 100 टाइम ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, 100 टाइम्स देन डैट ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ पी एच 3, तो बात समझ में आ गई है आपको कि जो पी एच 1 वाला स्केल है, यानी कि अगर किसी सोल्यूशन की पी एच रीडिंग आ रही है 1 और एक सोल्यूशन है उसकी पी एच रीडिंग आ रही है 2, तो इट्स मीन इन दोनों में कितने गुना एसिडिटी ज़्यादा है, 10%। 3 वाले से कितनी ज़्यादा एसिडिटी है, 100%। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये आपके पास एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, हैंस लो पी एच वैल्यूज मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, जिनकी पी एच वैल्यू लो आएगी वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, वाइल हाई पी एच वैल्यू मीन्स आ स्ट्रॉन्ग बेस। अब 7 से ज़्यादा जाएंगे 14 तक ये स्केल होता है, और जिनकी 7 से ज़्यादा होंगी वो किस तरह जाएंगे, बेस की तरह जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, पी एच ओवर न्यूट्रल सोल्यूशन इज ऑलवेज 7, लेस देन 7 क्या होंगे, एसिडिक सोल्यूशन, ग्रेटर देन 7 क्या होंगे, बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। 7 इज न्यूट्रल, लेस देन 7 इज एसिडिक सोल्यूशन, एंड ग्रेटर देन 7 इज बेसिक सोल्यूशन। और अगर ये देखेंगे 7 से नीचे, ये 7 से ऊपर 14 तक, और दोनों को प्लस करें तो कितने बनते हैं 14। पी एच प्लस पी ओ एच वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। यूज पी एच क्या है, जाहिर सी बात है पी एच स्केल कहाँ का यूज़ होगा, किसी भी सोल्यूशन की पी एच मेजर करने के लिए, कि वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। आपकी बहुत सी खाने वाली चीज़ें जैसे कि लेमन जूस हो गया या कोई भी आपकी दही, वो खट्टी होती है यानी कि वो एसिडिक होती है, तो कितनी एसिडिक है ये सारी चीज़ें इससे मेजर की जा सकती हैं। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन एसिडिक और बेसिक नेचर, जाहिर सी बात है किसी सोल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होगा। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसन्स, हमें मेडिसन की भी स्पेसिफिक एसिडिटी चाहिए होती है, हमारी जो ये स्पिट होती है यानी कि जो थूक है आपकी, इसकी भी स्पेसिफिक एसिडिटी है, ठीक है, ये हेल्प करती है आपके फूड को डाइजेस्ट करने में। मेडिसन कल्चर एट अ माइक्रोबियल पार्टिकुलर कंसनट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, माइक्रोबायोलॉजिकल मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटे जानदार जर्सी वगैरह, उनको भी एक स्पेसिफिक पी एच चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, ठीक है, वो पी एच मेंटेन करने के लिए हम पी एच पेपर यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन और रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन, कुछ रिएक्शन है वो स्पेसिफिक पी एच पे होते हैं, जैसे कि आपके स्टमक के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं वो पी एच 2 के ऊपर हो रहे होते हैं, तो वो पी एच पी मेंटेन करने के लिए पी एच स्केल यूज़ करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।